हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार पैटर्न के प्रोग्राम्स सी में किस तरह से लिखा जाता है वो सीखेंगे। अब अगर हमें एक स्टार डिस्प्ले करना है तो हम प्रिंटेफ में डबल कोट के अंदर स्टार लिख देंगे। ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हमें 5 स्टार डिस्प्ले करना है तो भी आसान है। हम प्रिंटेफ में 5 स्टार लिख लेंगे, लेकिन इन 5 स्टार को अगर हमें लूप से लिखना है तो हमने जो 1 स्टार का प्रिंटेफ लिखा था उसे 5 बार रिपीट करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे काउंटर सी यूज किया जो 1 से लेके 5 तक रिपीट होगा। अब अगर हमें कुछ इस तरह का पैटर्न लिखना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने 5 स्टार डिस्प्ले किए, फिर नेक्स्ट लाइन पे गए, वापस 5 स्टार डिस्प्ले किए, नेक्स्ट लाइन पे गए, वापस 5 स्टार डिस्प्ले किए, नेक्स्ट लाइन। यानी 5 स्टार डिस्प्ले करके नेक्स्ट लाइन पे जाने का जो प्रोसेस है वो हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है रिपीटेशन के लिए हम लूप यूज़ करते हैं, तो काउंटर सी यूज़ करके ये जो लूप हमने लिखा है उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन का प्रिंटेफ लिखेंगे और इस लूप को और नेक्स्ट लाइन का प्रिंटेफ को हम 3 बार रिपीट कर लेंगे। तो बाहर और एक लूप आएगा जो इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करेगा। अब अगर हमें कुछ इस तरह का पैटर्न करना है तो हमें यहाँ पे पहले कितने रोज है वो देखना होगा। यहाँ पे 4 रोज है और हर रो में कितने स्टार्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो हर रो में वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स तक स्टार्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। अब देखेंगे कि फर्स्ट रो में कितने स्टार्स है, तो फर्स्ट रो में 1 स्टार है, इसलिए हमारे वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू जो हम फॉर लूप लिखने के पहले लिखने वाले हैं वो होगा 1। अब ये देखना है कि हमारे स्टार्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो हमारे स्टार्स हर रो के स्टार्स डिस्प्ले करने के बाद इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट लाइन यानी नेक्स्ट रो पे जब स्टार डिस्प्ले करने हैं तो हम इस वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे। अगर हमें कुछ इस तरह का पैटर्न करना है तो हमें 3 पैरामीटर्स देखने हैं। पहला क्या है, हमारे कितने नंबर ऑफ रोज हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 4 नंबर ऑफ रोज हैं। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हमारे फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स यानी कितने स्टार्स हैं, यहाँ हमारे 4 नंबर ऑफ स्टार्स है। अब हमें ये देखना होगा कि हमारे स्टार्स या कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, यहाँ हमारे कॉलम्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब हमें कुछ इस तरह का पैटर्न करना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि कितने रोज़ हैं, तो यहाँ पे हमारे 9 रोज़ हैं। अब देखना है कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं माने कितने स्टार्स हैं, तो हमारे 5 स्टार्स हैं। अब ये देखना होगा कि हमारे कॉलम्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, हमारे कॉलम्स
शुरू में क्रीज हो रहे, जब तक हमारा रो 5 पे पहुंचता नहीं है तब तक हमारे कॉलम्स क्रीज हो रहे, अदरवाइज हमारे कॉलम्स इंक्रीज हो रहे।